मध्य प्रदेश कांग्रेस कर्मचारी द्वारा रखी गई बैठक, इस बैठक में 2019-20 की कार्यकारिणी का गठन अनुमोदन भी किया गया। साथ ही आगामी दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना आगमन पर उनके स्वागत की तैयारियों के बारे में भी बताया गया। चर्चा होगी, नियुक्ति पत्रों का हम वितरण करेंगे, यहाँ पर जो भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उन सबको नियुक्ति पत्र आदरणीय हमारे गेस्टों के द्वारा मुख्य अतिथि के द्वारा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय सचिव परम सम्मानीय रणवीर कुशवा जी, मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई आदरणीय गोपाल मिश्रा ने अपनी बात को बहुत मुखरित रूप से उठाते हैं और शायद ही कोई सेक्रेटरी का कोई अधिक पदाधिकारी हो जो उनकी बात को अहमियत। जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सत्र 2019-20 की नवीन कार्यकारिणी जो बनाई गई है, जिसका अनुमोदन हमारे प्रांताध्यक्ष कोमल जी द्वारा किया गया है, उसकी घोषणा और हमारे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के गुना आगमन पर उनके स्वागत के संबंध में चर्चा और समय समय पर जो भी विभागों की मांगें हैं उन मांगों को समय सीमा में पूरा कराना, हर 3 माह में परामर्शदात्री की जो बैठक होती है, जो पूर्व में चल रही थी, बंद हो गई हैं अभी, उनको पूर्व की भांति शुरू कराना और जो शासन ने घोषणा की थी बनने से पहले कांग्रेस ने आर्थिक अनार्थिक मांगों के क्रम में, उस बिंदु पर भी यहाँ विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।